मैं निवेदन करूंगा मैडम पूजा वशिष्ठ जी, आईपीएस एडिशनल एसपी इसार हमारे बीच पधारे हैं। मैडम से निवेदन है कि आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। रावतखेड़ा गांव को सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगी कि पूरे हिसार में हमने दो गांव ऐसे चुने हैं जो हम नशा मुक्त डिक्लेयर करने वाले हैं और रावतखेड़ा उनमें से एक है। तो आप सभी को बधाई हो, आपके ही प्रयत्न से ये मुमकिन हो पाया है। श्री राम जी जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, अगली बार से मैं चाहूँगी कि मैडम भी आए। श्रीमती पूनम जी जो चेयरमैन हैं, सिया राम जी हमारे एक्स सरपंच, पंचायत मेंबर्स भीम और राहुल, और जो हमारे इंस्पेक्टर वेदपाल हैं, जो हमारी टीम, जो मेरा गांव मेरी शान की टीम है, उनको हेड कर रहे हैं। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से हमारे सहकर्मी व जो हमारा थाना है आज़ाद नगर, उससे जो प्रतिनिधि आए हैं। तो जो ये कार्यक्रम है, इसका मेन उपलक्ष्य यही था कि आईजी सर, राकेश आर्य सर जो आए थे, तो उस मुहिम को एक साल पूरे हो गए हैं। तो मेरा गांव मेरी शान जो उनका प्रोग्राम चलाया गया था, उसको तो उसको एक साल पूर्ण हो गए हैं। और एक साल में हमारी जो उपलब्धि है वो यह है कि दो गांव जो हमारे काफ़ी नशे से पीड़ित थे, उसको हम घर घर जाके और हमारी टीम उनकी काउंसलिंग करके, उसको हम ऑलमोस्ट दो गांव तो हमने अराउंड जो हमने वो लिया था, क्राइटेरिया लिया था, वो ये था कि एटलीस्ट अगर 80% लोग भी उसमें अगर नशा छोड़ चुके हैं पहले की तुलना में, तो हम उसे नशा मुक्त घोषित कर देंगे। तो आज हम उसी के लिए एकत्रित हुए हैं। जो हमारे नए सरपंच अभी चुने गए हैं, उनसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हमारी हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाई गई है, उसमें एक स्टेट एक्शन प्लान की प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसमें कि गांव के काफ़ी प्रतिनिधि मेंबर, एक मौजूद व्यक्ति, महिलाएं, एक बुज़ुर्ग आदमी जो कि आर्मी से रिटायर्ड हो, तो इन सब की एक टीम बनाई जाएगी जो कि घर घर जाके ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करेगी जिनको ज़रूरत है हमारी काउंसलिंग की, या मेडिकल ट्रीटमेंट की, या सपोज़ आप लोगों को, आप हम पुलिस से ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन चिट्टा बेचता है, कौन सेवन करता है, या ये सब इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली जो ये टीम होगी और जो आपका गांव होगा, तो इसमें हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी लगा दी गई है कि आप सरकार के साथ जुड़िए और हम एडिक्ट्स को आइडेंटिफाई करें और हम सप्लायर्स को भी आइडेंटिफाई करें। तो आप सब का उसमें एक घर घर जाके उसमें इंटरव्यू होगा और आप सभी से हम इंफॉर्मेशन मांगेंगे, क्योंकि आप ही पुलिस के आँख और कान हो। पुलिस को, पुलिस है भी समाज से ही निकली हुई है, हम कहीं ऊपर से नहीं आए हुए हैं। तो हम समाज से ही हैं और हम बिना समाज के पुलिस कोई भी काम नहीं कर पाएगी। तो इसलिए एक ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का आने वाला है, तो उसमें सरपंच का, मेंबर का और आप सभी गांव वासियों का काफ़ी रोल होने वाला है उसमें। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि जैसे कि आपने हमारे जो एक साल से हमारा अभियान चल रहा है उसमें आप लोगों ने इतना साथ दिया, अब अगर हमारी टीम आए और गाँव वालों का सहयोग ना हो, तो हमारी टीम उतना कुछ नहीं कर पाएगी, चाहे वो कितने भी कोशिश कर लें। गाँव में एक कमिटी बनी होगी, उन कमिटी वालों ने भी बढ़ चढ़ के काम किया होगा, तो तभी ये जो मुहिम है ये सबके साथ काम करने से ही संभव है। बेसिकली ये है कि पुलिस का काम है कि अगर कोई ड्रग्स बेच रहा है उसको पकड़ना, तो ये पुलिस एक स्टेप आगे जाके जो इस नशे की लत में पड़ चुके हैं उन पे हम इसलिए फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी आपने देखा होगा कि कैसे परिवार नष्ट हो जाते हैं। तो मुझे नहीं पता कि इस गांव में ऐसा कोई एग्जांपल है या नहीं। ये सीमा मुझे अभी बता रही थी कि 27 एडिक्ट्स ऐसे थे जो कि अब छोड़ चुके हैं, जिसमें से आई थिंक 4-5 ही हैं जो अभी दवाइयों पे आ गए हैं। तो बेसिकली ये कि किसी का भविष्य खराब ना हो, जो अब तक अगर कोई सपोज किसी भी रीज़न से अगर उस गलत आदत में पड़ चुका है, तो हम उसे कैसे वापस लेके आए, ये एक लेसन होगा बाकियों के लिए भी। अगर एक भी एडिक्ट
हम वापस ला सकते हैं मेन स्ट्रीम में, अगर वो नशा छोड़ देगा तो वो आगे और लोगों को भी इंस्पायर करेगा। सपोज़ गांव में कोई और छोटा लड़का या छोटा बच्चा इसकी चपेट में आ गया है, तो उसके घर वाले उसके पास जा सकते हैं कि तूने कैसे छोड़ा, हमारा बेटा भी इसमें पड़ गया और हम भी अपने बेटे को छुड़वाना चाहते हैं। तो बेसिकली ये एक ये मुहिम थी कि आप लोगों को पता चले कि इससे बाहर निकलना संभव है और इससे बाहर निकलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अगर आप लोगों को ये गाँव में नहीं है तो आप लोग हमेशा पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं। एक नशा मुक्त अभियान सरकार का भी चल रहा है, उसमें भी काफ़ी फंड्स भी आते हैं और सब कुछ आता है। तो बेसिकली हरियाणा में अभी जो सबसे ज़्यादा फोकस है, जो ये हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाई गई है, ये भी इसी के लिए बनाई गई है कि हरियाणा सरकार का पूरा फोकस इस पे है कि किसी भी बच्चे का भविष्य बर्बाद ना हो। और इसमें चाहे हमें अपनी ड्यूटी से बढ़ चढ़ के भी आगे जाना पड़े तो हमें एज अ सोसाइटी करना पड़ेगा, मतलब ना सिर्फ पुलिस ना सिर्फ प्रशासन बट एज अ सोसाइटी ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी बच्चा इस तरफ ना जाए। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम बात करते रहते हैं एडिक्ट से, तो उनके पास सब कुछ है, उनके पास ज़मीन है, घर है, मैरिड है, बच्चे हैं, फिर भी नशा कर रहे हैं। तो इसके अलावा तो इंसान को और कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर ज़मीन है, कमाई हो रही है, फिर भी वो नशे की तरफ जा रहा है, तो हमें समाज में, मतलब हमें एज अ सोसाइटी ये सोचना चाहिए कि ये फिर भी क्यों जा रहा है, इसकी क्या ज़रूरतें हैं जो समाज नहीं फुलफ़िल कर पा रहा, मे बी उसके दोस्त या संगत उसकी अच्छी नहीं है और समथिंग लाइक दैट। जो अभी स्कूल के बच्चे यहाँ हैं तो एक उसी के अंडर, जो स्टेट एक्शन प्लान के अंडर एक धाकड़ प्रोग्राम का भी वो किया गया है, तो उसमें 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया गया है। ये जो हमारे यूथ है, जैसे सपोज 18 साल से ऊपर के बच्चे, इनमें भी ये किया जा सकता है, या ये खुद ही बेसिकली ये है कि हम कितना भी कुछ बोल लें पर जब तक इनके अंदर से नहीं आएगा कि हम इसके खिलाफ़ लड़ना चाहते हैं तो कोई आगे बढ़ना मुश्किल है। तो स्कूल में जैसे 5 बच्चों का ग्रुप है, तो वो 5 बच्चे एक तो वो एक दूसरे पे नज़र रखने का भी काम करेंगे, एक वो जो टीचर है उनकी उनको भी इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये मैं चाहूँगी अगर कोई स्कूल से यहाँ पे है तो वो इस काम में बढ़ चढ़ के जी, तो जो पीटीआई है वो अपने बच्चों को इस बारे में बताए कि बेसिकली ये है कि बच्चे ही बच्चों के बारे में जानते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ बच्चे बड़ों को नहीं बताते, ना वो अपने माँ बाप को बताते हैं ना और किसी को पता होगा, बट आपस में क्लासरूम में सबको सबका पता होगा। तो ये आपका काम है कि उनसे मिलते रहे, बातें करते रहे, थोड़ा पूछते रहे कि हमसे क्या मदद चाहिए, या सपोज़ कोई बच्चा सडनली उसके चेंज हो गए हैं, बहुत ईजी है आइडेंटिफाई करना कि कोई ड्रग्स ले रहा है, उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है, वो थोड़ा अलग अलग रहता है, ये टाइप की चीज़ें। तो इसमें टीचर्स का भी बहुत वो है, फैमिली वाले जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को सबसे पहले जो एटीट्यूड चेंज है वो नज़र आएगा। तो बेसिकली यही था हमारा, और सरपंच है, सरपंच या जितने भी हमारे अधिकारी यहाँ या अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सभी एक्सेसिबल होते हैं। जो सरपंच जी ने बात बोली थी कि आईपीएस ऑफिसर नहीं मिलते हैं, ये बिल्कुल गलत है, आईपीएस ऑफिसर्स मिलते हैं, हर ज़िले में हैं, आपको बस हमारे ऑफिस में आना है, एंड बहुत एक्सेसिबल हैं। तो मैं यही एक तो मैं अप्रिशिएट करूँगी कि इस गांव ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और मैं यही आशा करूँगी कि आप लोग आगे भी हमारा ऐसे ही साथ दें। थैंक यू।